सुप्रभात आदरणीय निदेशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदया, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं मिताली राज लाल इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा आज आप सभी लोगों के सामने वीर अभिमन्यु पे बोलने जा रही हूँ। जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में शरशैया पर भीष्म हुए, तब कुरुकलंक के नैनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे, वह चाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें ना कोई संधि हो, गुरुवर द्वारा हो ज्येष्ठ पांडुसुत समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से बांध दिया, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ, बज उठा कृष्ण का पांच जन, फिर गांडीव का डंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े, जब गुरुवर का अर्थ चूर हुआ, जो सोचा था सब विफल हुआ, सब सपना चकना चूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं उससे पार न पा सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा द्रिकतों ने मिलकर, हम प्रण में प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें मैं दे सकता कोई उपहार नहीं। फिर क्या था ऐसी नीति बनी, जिसको सबने मंजूर किया, उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने ऐसी नवीन संरचना की, जिसका भेदन ना हो सके उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, या देख शत्रुदल सुखी हुए, जो सदा शांत चित्र रहते थे वे धर्मराज भी दुखी हुए। निज सैन्य तात को दुखी देख, फिर शेर बबड़ को जगना था, जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 वर्ष मगर यह बड़ा धनुष का धनु, सबने देखा कोई और नहीं, यह अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, या भेद गर्भ में सुना हुआ, हे तात चिंता दूर करे, यह सुन साहस सौ गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले, कुछ धीम चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार ले, गदा गदा धर भीम चले। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले, कुछ धीम चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार ले, गदा गदा धर भीम चले। अभिमन्यु को ना रोक सका, वह द्वार तीसरे पार गए, पर आज द्वार पे जयद्रथ था, चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा पीछे ना कोई अपना था, पर विचलित तनिक ना हुआ भी, कुछ ऐसा उसका सपना था। कोई एक भिड़ा, कोई दो दोसा, कोई ले झुंडों का झुंड चला, कोई एक भिड़ा, कोई दो दोसा, कोई ले झुंडों का झुंड चला, लाशों से पटने लगी धड़ा, जब मुंड मुंड पर मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन अश्वत्थामा, विकर्ण कृतवर्मा को मार, गुरुद्रोण कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण विराजो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था, वह कर्ण विराजो दुर्योधन के अंतर्मन की भाषा था, वह कर्ण विराजो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था, वह कर्ण विराजो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वह अंगराज, रथ सहित धड़ा परंपरा मिला, कुछ चेत हुआ तो भाग गया, वह दूर सभी को खड़ा मिला। फिर यह देख कुपित दुर्योधन ने एक साथ सबका नाम पुकारा है, सब इसे साथ मिलकर मारो, यह आदेश हमारा है। फिर सातों ने मिलकर कुछ ऐसा काम किया, रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़ों का काम तमाम किया, तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए, और रथ के टूटे चक्कों से कितनों के छक्के छुड़ा दिए, यह देख अदम दुशासन ने। फिर सर पर गदा प्रहार किया, गिर गया तभी धड़ा पर वीर, जब पीछे से उसने वार किया। सब नियम युद्ध के भूल गए, और ऐसा अत्याचार किया, फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पर वार किया। सब मायापति की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं, कितनों को धूल चटाया है, कितने कुड़ुओं के नाम लिखूं, शब्दों में सहज सुशीलापन, अब कविता को विश्राम लिखूं, मैं उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं, धन्यवाद।